हे गाइस, मैं हूं फारूक और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 15 के प्रॉब्लम के बारे में, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो के अंदर। iPhone 15 और iPhone 15 Pro के आने के साथ ही अनेकों यूजर ने खुशी खुशी इन नए हैंडसेट का यूज किया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी उठी है। इस वीडियो में हम आपको iPhone 15 में होने वाली 6 प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे और इन प्रॉब्लम्स के पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ओवरहीटिंग, जिसके कारण कुछ यूजर्स को लग रहा है कि iPhone 15 बहुत गर्म हो रहा है। कुछ यूजर ने इसे सोशल मीडिया में भी शेयर किया है। एप्पल ने इसके लिए iOS 17 अपडेट रिलीज किया है, लेकिन क्या यह प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? सेकेंड, चेचेस के कलर में चेंजेस। iPhone 15 Pro और 15 Pro Max के टाइटेनियम शेल में फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स के ज्यादा होने के कारण यह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एप्पल इसे टेम्प्रोरी बता रहा है, लेकिन यह किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा यह अब तक फिक्स नहीं है। तीसरा, iPhone 15 के टिकाऊ रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें कुछ यूजर ने बिल्ड क्वालिटी में डिफेक्ट दिखाते हैं। फोर्थ, स्क्रैच और दाग लगने की, जिसके बारे में iFix ने माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्कस की है। यह प्रॉब्लम हार्डवेयर से नहीं है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और आपके फोन की सिचुएशन को डैमेज पहुंचाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिफ्थ, डेटा ट्रांसफर स्टार्टअप लूप, जिसके कारण कुछ यूजर्स को पुराने आईफोन से नए आईफोन में डेटा ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आ रही है। एप्पल ने इसके लिए अपडेट रिलीज किया है, लेकिन एप्पल ने इसे अभी भी ठीक से प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। सिक्स, जो कि आईफोन यूजर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बैटरी लो प्रॉब्लम, जिसके कारण कुछ यूजर्स को लग रहा है कि उनके आईफोन 15 में बैटरी जल्दी से खत्म हो जाती है। आईफोन 15 में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी अपडेट रिलीज किया है, लेकिन कुछ यूजर्स को अभी भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। इन प्रॉब्लम्स के बावजूद एप्पल अकेले ही इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और अधिकतर यूजर के लिए इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या सजेशन है, तो आप एप्पल के हेल्प सेंटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी iPhone 15 और iPhone 15 Pro के कुछ पॉसिबल प्रॉब्लम। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी और आप iPhone 15 और 15 Pro का यूज अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको iPhone 15 और iPhone 15 Pro के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में और डिटेल में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ रहें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और हम जल्द ही आपके साथ एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।